हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग डिटरमिनेंट्स चैप्टर नंबर 4। दिस इज लेक्चर नंबर 9। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस फॉर द सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू आर थ्री वेरिएबल्स एंड डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व एक्सरसाइज 4.6। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन गिवन हो उन्हें हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन क्लास 10th यू हैव सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाई यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू आर थ्री वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम? देखें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव वन आर मोर सॉल्यूशन। जिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलते हों, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखें, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलें, दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पे मेरे पास तीन लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। हियर एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ए वन बी वन सी वन डी वन सी टू डी थ्री दे आर ऑल कॉन्स्टेंट। Now I will write this linear equation in matrix equation. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले A matrix consider कर रहा हूँ। और मैंने A matrix को कैसे consider किया है, इसका जो first row के element है उसे check करें, ए वन बी वन सी वन। और यहाँ पे first equation आप check करें कि ए वन बी वन सी वन आर द coefficient ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड, और वो मैंने यहाँ पे रो वन में लिख लिए। रो सेकंड में मैंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन सेकंड है उसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं दैट इज ए टू बी टू सी टू, वो मैंने सेकंड रो में लिख लिए। और थर्ड इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो मैंने यहाँ पे थर्ड रो में लिख लिए। इस प्रकार मेरे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ गई। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक्स मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, और एक्स मैट्रिक्स में मेरे पास क्या एलिमेंट है, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है। अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे। सिमिलरली मैं वी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, और वी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में डी वन डी टू डी थ्री इसे मैंने कॉलम वाइज लिख लिया है। नाउ आई कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन। और अगर आप ध्यान दें तो ए यहाँ पे चेक करें, ये आपके पास ए है, यहाँ पे ये एक्स है, और ये क्या है, बी है। और इसे अगर आप सॉल्व करें तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पिछली स्लाइड में इक्वेशन हमें गिवन थी वही यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए वन इंटू एक्स प्लस वी वन इंटू वाई सॉरी वाई सी वन इंटू जेड आर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का वो है डी वन। और आप चेक करें क्या यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है।
ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड रो को यहाँ मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें, तो इस प्रकार आप पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पिछली स्लाइड में है वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस इज इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। क्या कह रहा है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नॉट इक्वल जीरो, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है जब हमने इनवर्स फाइंड किया था। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। यहाँ पे ए इनवर्स जो है ये भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक्स है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है एक्स वाई जेड, इक्वेट करेंगे और यहाँ से हमें एक्स वाई जेड वैल्यू मिलेगी और इस वैल्यू को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर टू। केस नंबर टू क्या कह रहा है, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा, और देन इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ए एंड बी। फर्दर देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस इज इफ प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर जीरो इज ए जीरो मैट्रिक्स, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। एंड सेकेंड केस क्या है, इफ प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो देन सिस्टम मे बी आइदर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम है एदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आर नो सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, सिस्टम में अगर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका जो प्लस टू का सिलेबस है इसमें यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट ओनली यूनिक सॉल्यूशन, आपने सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने यूज करना है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड को जब आपने अप्लाई करना है तो आपने तीन स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी टू वेरिएबल में या थ्री वेरिएबल में, आपने उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जो हमने पीछे किया है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, चेक इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है यहाँ पे नॉन सिंगुलर होना चाहिए, अगर नॉन सिंगुलर है देन फाइंड ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए आपने फाइंड करना है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। और थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये ए एक्स इज इक्वल टू बी एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम इसे ड्राइव कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और यहाँ पे ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है वहाँ पे एक्स वाई जेड उसमें एलिमेंट है, अगर तीन वेरिएबल है फिर आप इक्वेट करेंगे तो वहां पे आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसके बेस के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, इन्हें हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो हमने x और y फाइंड करना है और यहाँ पे हम यूज करेंगे मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स इक्वेशन में। और वो क्या होती है जी, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ए एक्स और बी तीनों ही मैट्रिक्स हैं। तो क्या मैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये मैं लिख रहा हूँ 2 5 3 2, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 7। अगर आप ध्यान दें, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो कहाँ से आए? ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एक्स वाई के जो कॉफिशियंट है वो सेकेंड इक्वेशन में, जो एक्स वाई के कॉफिशियंट है वो यहाँ पे सेकेंड रो पे आ गए। और यहाँ पे जो एक्स और वाई वेरिएबल है वो मैंने कॉलम वाइज लिख लिया, बीच में इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पे इक्वल का साइन है। और ये जो कांस्टेंट है 1 और 7 ये मैंने कॉलम में लिख लिए। अब यहाँ पे ये इनका क्या फॉर्म बन गया? ये बन गया जी ए एक्स इज इक्वल टू बी, एंड दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन वेयर आप लिखेंगे वेयर ए इज इक्वल टू 2 5 3 2, और एक्स है यहाँ पे आपके पास एक्स वाई, और यहाँ पे बी जो है वो मैट्रिक्स आपके पास है 1 7। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने चेक करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है क्या वो नॉन सिंगुलर है, क्या वो जीरो के इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास ए क्या है जी 2 5 3 2, और इसे सॉल्व कर लें 2 to the 4, 3 to 5 दैट इज -15, आ गया -11, एंड -11 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 तो ए इज नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। तो अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो चलो बारी बारी जो जो हमें चाहिए कंपोनेंट वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एल जो रो है उसके जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है जी 2, तो 2 का आपने कोफैक्टर लेना, तो 2 का रो और 2 का कॉलम डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। सेकेंड आपने 5 का कोफैक्टर लेना, तो 5 का रो और 5 का कॉलम डिलीट है, यहाँ पे 3 आ गया, और साथ में क्या आएगा माइनस, ये अब आपको अच्छी तरह पता है, ये आ गया ए 21 माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे ए 21 कौन सी पोजिशन है? 3, तो 3 का रो 3 का कॉलम चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, और लास्ट है 2, 2 का कोफैक्टर आएगा ए 22, और ये क्या बन जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडजॉइंट लिखें, एडजॉइंट क्या होता है जी, अब हमने ए का आप एडजॉइंट कर रहे हैं तो ए के जो एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएंगे उनके कोफैक्टर। तो जहां जहां एलिमेंट है वहां उनके कोफैक्टर लिख दें। तो यहाँ 2 का कोफैक्टर क्या है जी 2 ही है, और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 2 है, और इसका हमने क्या करना होता है ट्रांसपोज। तो आप ट्रांसपोज करें 2 -3 -5 और 2, तो दिस इज योर एडजॉइंट। अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ओके, तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1/11 है, साथ में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आप मैट्रिक्स में लिख दें एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट यहाँ पे क्या है 2 -5 -3। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यहाँ पे आप लिख दें नाउ। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड की -1/11, और यहाँ पे ये है 2 -5 -3 2, और इंटू बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे देखिए 1 और 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख लें, मतलब x की जो मैट्रिक्स है वो लिख लें, x y है 2, इसमें वेरिएबल है,
अब हमने क्या करना, माइनस वन अपॉन इलेवन, और इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने रो को कॉलम वाइज करते हैं मल्टीप्लाई, तो टू को वन से करेंगे कितना आ गया जी टू, माइनस फाइव को सेवन से करेंगे माइनस 35, और सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे ये आ गया जी माइनस 3 प्लस 14, और यहाँ पे मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 11, और राइट हैंड साइड में क्या बन गया माइनस 33, और यहाँ पे बन गया 11, ओके। अब आप क्या करेंगे, ये जो माइनस 1 अपॉन 11 है ये दोनों एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई आर इज इक्वल टू, देखे ये माइनस अंदर माइनस, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 रो हैं 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रो हैं 1 कॉलम है, और बीच में इक्वल का साइन है, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन फाइंड किया है क्या ये सही है या गलत है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी एक इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करके देख लें, तो अगर वो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है, इट मीन कि आपका सॉल्यूशन राइट है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 दे रहा है। तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा लेफ्ट और राइट जो है दोनों सेम आया है, इसलिए हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये ठीक है। तो ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फाइंड किया है। अब हम करते हैं सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमने मैट्रिक्स मेथड यूज करके इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमने कन्वर्ट करना है इसे मैट्रिक्स इक्वेशन में, और वो क्या होती है ए एक्स इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं इस फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इस फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके जो वेरिएबल चेक करें क्या, इसका वेरिएबल कितना 1, इसका माइनस 1 और इसका कितना 1। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 ये फर्स्ट रो में चला गया। जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, उनके कॉफिशियन क्या है, देखो 2 है यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 है यहाँ 1 आ गया, यहाँ माइनस 3 है यहाँ पे माइनस 3 आ गया। अब मेरा कर्सर ध्यान से देखें, थर्ड इक्वेशन को चेक करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों के जो कॉफिशियंट है एक्स वाई जेड के वो 1 है, तो यहाँ पे थर्ड रो में 1 1 1 आ गया। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि मल्टीप्लाई वाई, ये देखिए एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें जितने वेरिएबल हैं उस इक्वेशन में वो आएंगे, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई जेड। सिमिलरली इक्वल आगे साइन आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास बी, वी क्या होता है कि जो हमारे राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो 4 है 0 है 2 है, तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास फिर क्या क्या यहाँ पे आ गया, वेयर ए क्या है, ये ए है, ये क्या है एक्स है, और ये क्या है बी। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू वी मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। मैंने पीछे आपको सॉल्व करके बताया था कि ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन ही मिलेगी। तो दिस इज योर मैट्रिक्स इक्वेशन, हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि हमने चेक करना है कि ये जो ए हमने यहाँ पे लिया है क्या ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। चलिए यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए डिटर्मिनेंट,
यहाँ पे आप डिटरमिनेंट ले, ये आ गया जी 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और मेरे पास आएगा 1 माइनस 3 1 और सेकंड माइनस 1 है तो उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 2 माइनस 3 1 1 आ जाएगा प्लस थर्ड है हमारे पास 1 1 को आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ये रो और ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। दिस इज 2 1 1 1। तो चलिए इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें 1 इंटू 1 और 1 इंटू माइनस 3 तो प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्लस देखिए 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 इंटू माइनस 3 लेकिन आपने माइनस करना है तो प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1 और मेरे पास क्या बनेगा 1 प्लस 3 दैट इज 4 2 प्लस 3 दैट इज 5 2 में से 1 चलता 1 एंड दिस इज 10 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है कि जो हमारा ए यहाँ पे हमने जो चूज किया था वो नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला स्टेप है कि हमने ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो चलिए कोफैक्टर्स आर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a11 क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, यहां फर्स्ट एलिमेंट कौन है जी 1। तो 1 का कोफैक्टर लेना है तो ये रो, आप मेरा कर्सर ध्यान से देखें, ये रो और ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 1 1 और आप इसे सॉल्व करें ये बन गया जी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ओके, अब हम सेकेंड कोफैक्टर लेंगे माइनस 1 का, सेकेंड जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आएगा a12 यहाँ पे लें। तो यहाँ पे जैसे हम a12 लेंगे तो 1 प्लस 2 3 होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस। और अब यहाँ पे देखें ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड कॉलम, ये आपका डिलीट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 1 1 और आप इसे सॉल्व करें माइनस 2 1 द 2 1 माइनस 3 माइनस 3 लेकिन आपने प्लस करना है तो ये कितना आएगा जी माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पे a13 क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो गया 2 1 1 1 आएगा 2 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 3 दैट इज 4 4 के कारण इवन आएगा तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ गए। नेक्स्ट हम सेकंड रो के कोफैक्टर लेते हैं तो यहाँ पे a21 तो 2 1 के कारण यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये तो 2 1 चेक करें कहाँ पे सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे ये वाला रो डिलीट, ये वाला कॉलम, तो -1 -1 -1 1 1 1 और ये सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1 -1 दैट इज 2 और यहाँ पे देखिए 2 2 तो यहाँ पे 2 2 आप कर लें तो 2 2 a22 का मतलब है -1 1 का रो और 1 का कॉलम तो यहाँ पे 1 1 1 1 सब में 1 1 1 1 1 1 सॉल्व करें 1 -1 दैट इज 0 और थर्ड है 2 3 और इसके साथ क्या लगेगा माइनस लगेगा 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो ये आएगा 1 -1 1 -1 1 1 आप इसे सॉल्व करें तो क्या आ गया 1 into 1 दैट इज 1 दिस इज +1 एंड दिस इज -2। तो चलिए नेक्स्ट हम थर्ड रो के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो थर्ड रो के कोफैक्टर पहले आ जाएगा जी 3 1 a 3 1 तो थर्ड रो दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या बच जाएगा -1
वन वन माइनस थ्री, और सॉल्व करें माइनस वन को माइनस थ्री से पे करेंगे प्लस थ्री, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज टू, और यहाँ पे आएगा थ्री टू, थ्री टू के साथ क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि थ्री प्लस टू दैट इज फाइव और वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे रो नंबर थ्री ये कॉलम नंबर टू, तो यहाँ का वन वन टू माइनस थ्री, तो वन वन टू माइनस थ्री, तो इसे सॉल्व करें बाहर माइनस है वन इंटू माइनस थ्री और टू इंटू वन दैट इज माइनस टू और यह आ जाए प्लस फाइव, और लास्ट वन है यहाँ पे थ्री थ्री, तो थ्री थ्री में पॉजिटिव है बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो वन का यहाँ पे आपने कॉलम का ये डिलीट हो जाएगा, ये रो डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा वन माइनस वन टू इंटू वन, तो सॉल्व कर लें वन इंटू वन दिस इज प्लस टू एंड ये थ्री आ गया, ठीक है। तो चले फिर नेक्स्ट, हम अब हमने कोफैक्टर ले लिए, अब कोफैक्टर लेने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे एडजॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है, तो ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे एडजॉइंट, तो यहाँ पे एडजॉइंट लिखे जी एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे आप फर्स्ट रो के कोफैक्टर लिखेंगे वो है जी फोर माइनस फाइव वन, और सेकंड रो के लिखेंगे दैट इज टू जीरो माइनस टू, और थर्ड रो के लिखेंगे टू फाइव थ्री, तो इसका करना आपने ट्रांसपोज, तो चलिए ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया फोर माइनस फाइव वन टू जीरो माइनस टू टू फाइव थ्री, ठीक है, ये एडजॉइंट हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं वन अपॉन डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट हमने टेन फाइंड किया था उसे आप बाहर लिख लें, और यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में जो एडजॉइंट है जो आपने फाइंड किया वो ये लिखते हैं, ये अगर फोर टू टू माइनस फाइव जीरो फाइव वन माइनस टू थ्री, तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, अब हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें और फिर हम सॉल्व करेंगे ए इनवर्स, अभी आपने फाइंड किया है वन बाई टेन, और यहाँ पे यह है फोर टू टू माइनस फाइव जीरो फाइव वन माइनस टू थ्री, और इंटू बी, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है फोर जीरो टू, और अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मेरे पास आएगा वन अपॉन टेन बाहर है, तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो फर्स्ट रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक ही कॉलम है, तो फोर इंटू टू दैट इज सिक्सटीन प्लस टू इंटू जीरो दैट इज जीरो टू इंटू टू प्लस फोर, अब सेकेंड रो को लें और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस फाइव इंटू फोर माइनस ट्वेंटी नेक्स्ट जीरो और नेक्स्ट आपके पास टेन आएगा, सिमिलरली थर्ड रो में देखिए वन को फोर से करेंगे फोर आएगा मल्टीप्लाई, माइनस टू को जीरो से करेंगे जीरो आ गया, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ गया, और इसे हम लिख सकते हैं वन वाई टेन, और ये मेरे पास आ गया जी ट्वेंटी माइनस टेन और प्लस टेन, और इसे हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो वन बाई टेन है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, आप मल्टीप्लाई कर लें, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, और ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसमें रिप्लेस कर दूंगा एक्स वाई जेड से, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये थ्री बाई वन इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, इसका भी थ्री बाई वन जो है ऑर्डर है, तो बीच में इक्वल का साइन है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर x इज इक्वल टू टू y इज इक्वल टू माइनस वन एंड z इज इक्वल टू वन, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो आपका सॉल्यूशन है क्या ये
राइट है कि रोंग है, तो आप क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके देखें। तो मैं यहाँ पहले इक्वेशन में पुट करके देता हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर। तो एक्स की वैल्यू टू फाइंड की है, वाई की वैल्यू माइनस वन है, जेड इज इक्वल टू वन हमने फाइंड किया है। तो टू प्लस वन इज इक्वल टू फोर एंड दिस इज फोर इज इक्वल टू फोर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल आया। ठीक है, इसका मतलब जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो राइट है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू एंड थ्री वेरिएबल्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और इसी लेक्चर के साथ आपका जो डिटरमिनेंट चैप्टर है वो फिनिश हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी एक्सरसाइज के जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका लिंक दे दूंगा। एंड आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दैट्स ऑल।